23, Davis. लूका का सुसमाचार Davis और 39 से हम पढ़ेंगे. एंड वन ऑफ द मेल फैक्टर्स विच वर एंगर्ड रेज ऑन हिम सेइंग इफ थाउ बी क्राइस्ट सेव थाइसेल्फ एंड अस. बट द अदर आंसरिंग रिब्यूक्ड हिम सेइंग डोस्ट नॉट थाउ फियर गॉड सीइंग थाउ आर्ट इन द सेम कंडेमनेशन एंड वी इंडीड जस्टली फॉर वी रिसीव द ड्यू रिवर्ड फॉर आवर ऑफ आवर डीड्स. बट दिस मैन हैज डन नथिंग एमिस एंड ही सेड अनटू द अनटू जीसस लॉर्ड रिमेंबर मी व्हेन थाउ कमेस्ट इन टू थाई किंगडम व्हेन थाउ कमेस्ट इन टू थाई टोकन. And Jesus said unto him, Verily, I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. प्रभु के नाम को धन्यवाद दे. इस वचन को प्रभु आशीष करे. आप लोग बैठ सकते हैं. परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे. हम लोग वापस प्रभु का भवन निकट हो गया. बहुत बार बारिश है. यूट्यूब पे थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो सकता है. यूट्यूब में थोड़ा डिस्टर्ब मगर आप लोग बर्दाश्त करना. डिस्टर्ब करके आप लोग वही बहुत डिस्टर्ब है क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकता है. नेचुरल डिजास्टर ये नेचुरल मगर उनमें से भी परमेश्वर हमको कृपा दे दिया और वो कृपा के द्वारा हम इसको सुनेंगे. और मैं आपका संदेश को मैंने नाम रखना चाहता है द थीफ ऑन द क्रॉस. The thief on the cross, जो डाकू जो है सूली पर है. The thief on the cross, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद. मेरा प्यारा भाई और बहनों, एक महान चोर डाकू है. अगर परमेश्वर ये महान डाकू का प्रार्थना को सुन सकता है, आप लोग सोचिए. थीफ ऑन द क्रॉस सेल्वेशन का पास ये भी लटक गया. मगर इनका इतना बड़ा डाकू इतना बड़ा चोर रफेल बैल बैलू अपना बगल में जो लटका वो सूर्य पर होने वाला परमेश्वर को पहचान कर सकता है. मगर आज के दिन में बहुत दुखी का बात है. लोग इस सुसमाचार को अपना हाथों में पकड़ा. बाइबल है उन लोगों के हाथ में. बाई लामर का मैसेज है. बाई लामर का मैसेज है. सब कुछ है और ये अपना जीवन को दुनिया के लिए चलाता है. अपना जीवन को दुनिया के लिए चलाता है. और थोड़ा उसको डांस देखना. अपना जीवन को दुनिया के लिए चलाता है. दुनिया के पास जाता है. दुनिया को देखता है. दुनिया का आशा में भरा है. और इतना मैसेज फटने के बाद भी इतना संदेश को देने के बाद भी एक दूसरे को निंदा करने को एक दूसरे को ऊपर उंगली दिखाने का उत्ता ये लोग आज करता है. मगर एक बात मैंने आज बोलना चाहता है. ये मनुष्य एक बार भी चर्च में नहीं गया. ये मनुष्य एक बार भी एक मीटिंग में भी नहीं हो हुआ. ये चोर ये डाकू अपना पूरा जीवन को चोरी और डाकू में अपना बिताया. मेरा सारा भाई इनका जीवन में एक भी अच्छा बात नहीं है. एक भी सर्वन को नहीं सुना. एक भी यीशु मसीह का एक भी मीटिंग में नहीं बैठा. वैसे कुछ भी किताब नहीं पढ़ा. कोई भी बायोग्राम का किताब बायोग्राम किताब नहीं पढ़ा. और इनको मालूम नहीं है वो कौन है ये कौन है. ये अपने ही जीवन को खराब करके रखा हुआ ये एक व्यक्ति था. अपना जीवन का अपना प्राण को खोया हुआ व्यक्ति था. अपना प्राण को खोया हुआ व्यक्ति था. और दूसरे को नुकसान करते हुए बहुत बड़ा डाकू था. मेरे बार बहन ऐसी फांसी का बंदा में फांसी का बंदा हुआ एक व्यक्ति था. मैं बोलना चाहता हूं फांसी का बंदा बोलेगा तो इतना आसान नहीं है. उस समय में ये सूली पर लटकाना एक सुप्रीम एक महान एक पनिशमेंट है. महान एक सजा है. मौत का सजा.
उम्र था, वो उम्र कैद नहीं है, मौत का सजा, फांसी। हम बोल सकते हैं आज फांसी, आप एक बार सोचिए फांसी, और फांसी का एक इतना बड़ा जुर्म अगर वो किया तो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, एक सूली पे लड़का ना बोलेगा एक मामूली सजा नहीं है, एक महान बहुत बड़ा सजा, बहुत बड़ा सजा। वो सजा इनको मिलने के लिए इनका जीवन में कितना लोगों को उन्होंने मारा, कितना लोगों का लाइफ को नुकसान कर दिया, वैसे अपना जीवन को खराब करके रखा है। मेरे प्यारे बहनों, अगर सैलवेशन है प्रभु राजा से लेके, सैलवेशन राजा के घर को भी छोड़ नहीं, राजा को लेके महान पापी डाकू के तक परमेश्वर का सैलवेशन जा सकते हैं। एक राजा के लेके हम देख सकते हैं फिर कुछ कैसा, वो राजा के स्थान में से एक कोजा आता था, वो कोजा को सैलवेशन दिया। हाँ, वैसे ही परमेश्वर ऐसी ऐसी तरीके से इतना महान एक पापी एक डाकू अपना जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया। बहनों, लोग सोचता है बाइबल फटते हुए एक आदत बना दिया, बाइबल फटने का आदत, मैसेज सुनने का आदत, और गिरफ्तारी, और ये क्या फायदा हो गया? मुझे बताइए, क्या लड़ाई है चर्च के अंदर, क्या मिनिस्ट्री के अंदर, क्या लड़ाई है? एक दूसरे को देखेंगे तो आरोप लगाना, आरोप लगाना, अपना अपना आपको बहुत अच्छा समझ के रहना। मेरे घर में कितना जलील लोग हैं इस दुनिया में आप देखिए, वैसे मैं कहना चाहता है ऐसी छोर को सैलवेशन मिल सकता है, मगर ऐसी लोगों को नहीं मिलेगा। वैसे ये ऐसा नहीं है, ये अपना जीवन को परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, वैसे बहुत जबरदस्त बात है इनका जीवन में। वैसे पहला बात जो है, कभी भी वो निंदा के लिए उनको मौका नहीं मिला, किसी को निंदा नहीं कर सकता था ये। वैसे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज है, किसी को निंदा नहीं कर सकता था वो, क्योंकि उनका ही जीवन बहुत खराब था। पहले पहले में निंदा करने वाला कौन है? मेरे पास होता है निंदा करने वाला आतंकी लोग। वैसे हमारे कलेक्शन में भी एक एक सिस्टर थी, वैसे ऑर्गन बजाते हुए मेरे बेटी के साथ बहुत बेकार औरत था, वैसे दुनिया में अपना पूरा पूरा ओरिजिनिटी को खोल के, वैसे हमने मेरे साथ में बैठ के अभी आखिरी में आंध्र के एक लड़के के साथ भाग लिया भाग लिया भाग लिया और उल्टा हमारा ऊपर दोष लगाता है। तीन तीन बॉयफ्रेंड से अपना कुंवारी भाई को कोई हो, आप लोग को मालूम होगा, तीन तीन बॉयफ्रेंड से, और वो कन्फेशन लेटर मेरे पास है। वैसे दर्शन भी जाने में फलौर में वैसे कितना बेकार बात है, कितना बेकार चीज है। वैसे बताने पर हम नाम भी लेने के लिए पीछे नहीं हटता है, हम डरता नहीं है, वो ये सोचते कि ये सत्य कैसा है। वैसे कभी भी देखिए कौन ऐसे करने वाला नहीं बताता है, कौन ऐसे करने वाला है? वो लोग पाखंडी लोग, वो लोग बिल्कुल पाखंडी, क्योंकि अपना जीवन को दूसरे के सामने अच्छा अच्छा करते हुए रहने वाले। वैसे मेरे घर में बहनों, सभी लोग हम पाती है, कोई भी अच्छा लोग नहीं है। ये आज ये मनुष्य क्या बोला, देखो इस मनुष्य कुछ भी नहीं किया, हम पाखी लोग सुनो, कोई किसी को धोखा नहीं मिलेगा अगर ऐसी कन्फेशन नहीं होगा। वैसे हमारा जीवन में कन्फेशन होने का है, हम दूसरे को आरोप लगाने के नहीं, दूसरे के बारे में बोलने के नहीं, वो ऐसा किया ये ऐसे किया। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को रखा है, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को रखा है, परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को रखा है, कोई मनुष्य नहीं है। कोई बोल नहीं सकता है ये मेरा मिनिस्ट्री है, मैंने इधर कोई किसी का नहीं है, मेरे कारोबार दिन ये सिर्फ परमेश्वर का है। मैं बताना चाहता है इतना बड़ा सजा को लेते हुए, ऐसी लोग है मेरे कारोबार बहनों, मेरे कारोबार बहन कौन अच्छा है मेरे को बताइए, कौन अच्छा है, कौन अच्छा है मेरे को बताइए, कौन बोल सकता है मैं विचार नहीं कह करके? अगर अभी नहीं तो पिछले के जीवन में तुम्हारा वे विचार पूरा हो गया। तीन तीन बॉयफ्रेंड के साथ पूरा कुंवारी फन को खोया, और अभी अच्छा बात करने के बड़ा बात करने की जरूरत नहीं है। माय गॉड, इसलिए इधर ऑर्गन पकड़ने को नहीं हुआ, इसलिए परमेश्वर के भवन में रुकने को नहीं हुआ, क्योंकि सच्चा कन्फेशन नहीं है वो, सच्चा
कंफेशन लेटर नहीं है। अगर अगर कोई भी सच्चा कंफेशन का लेटर देता है वो लोग अपना कंफेशन के द्वारा जीने को शुरू करता है। माय गॉड, अगर मैंने किसी को भी गलत करेगा मैं वो गलत को ज्यादा समय तक नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे को परमेश्वर का टोकन चाहिए। और ये लोग घर बैठे ये मनुष्य अपने जीवन में एक मीटिंग में नहीं बैठा, एक चर्च में, क्योंकि चर्च जो है ऐसी जगह है एक दूसरे को उंगली दिखाना, एक दूसरे के बारे में बात करना, लड़ाई करना और पार्टी बनाना और मिनिस्ट्री को टुकड़ा टुकड़ा करके करने के लिए ये सब चर्च का जो जीवन है। मगर ये आपकी पापी जीवन था, इनको एक बार भी मौका नहीं मिला कोई किसी को निंदा करने का। कितना ब्यूटीफुल चीज है, कैन यू से मैडम? माय गॉड, किसी को भी हो और इसलिए मैंने इसको नाम रखा ईफ ऑन द क्रॉस। बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा पापी अपना जीवन को पूरा खराब करके रखा हुआ। वयस फ्रेंड्स, मेरे को ये बताइए आज आप बोलेगा मेरे प्यारे बहन, आप कितना भी बाइबल पढ़ो, कितना भी एमपी3 सुनो खाने में, कितना भी आप बायलामर कमे से उसमें आप फोकस नहीं पाएगा। सुनो इधर, उसमें आपको फोकस नहीं मिलेगा। और कितना भी प्रचार करो आप सोचेगा मैं बहुत सेरेमनी प्रचार किया। वयस मैं बहुत सेरेमनी प्रचार किया, मैं एक बहुत बड़ा हीरो है, मैं एक बहुत बड़ा फास्टर है, मैं एक बहुत बड़ा हीरो हीरो है, मेरे को वचन मालूम है, मैं कोटेशन से कोटेशन देने वाला है और कोई आएगा तो उसको टकराएगा। बिल्कुल गलत है, इसमें आपका टोकन मिलेगा, भरोसा नहीं है। वयस अगर आपके जीवन में वयस कुछ ना कुछ होना चाहिए, मैं बताना चाहिए आपके जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। एमपी3 सुनने वाला, ये ऑनलाइन सुनने वाला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरा घर बैठो आप बोल सकते क्या सैलवेशन, क्या सैलवेशन क्या है बाजार में भेजने वाला चीज है, क्या टोकन क्या है बाजार में भेजने वाली चीज है, टोकन हो सैलवेशन ये की है। वयस मेरे को आपको टोकन मिलना, सैलवेशन मिलना ये की है मेरा फ्रेंड। आपके जीवन में वयस कभी भी मैं नाम नहीं लेता है, वैसे कभी भी कोई ना कोई मेरे कभी बोलते हैं आप इतना प्रचार करते, इतना बयान का मैसेज सुनते हो, अब क्यों उसके साथ वैसा बात करते? सही है वो, कोई भी करेक्शन करे सही है वो, मैं उसको वो कभी कभी किसका द्वारा भी आके बात करता है। प्रभु ऐसा नहीं है खाली कुलकुड़ी से बात नहीं करते, कोई किसी का द्वारा आके हमारा गलत को दिखाता है। वो सही है, मैं गलत नहीं बोलेगा। आप इतना प्रचार करते हो, इतना बोलते हो, आपका मुंह से वैसा बात निकलता है, सही है वो, क्योंकि हमारे जीवन को परमेश्वर ने ठीक करना चाहता है। वयस ठीक करना चाहता है। ये व्यक्ति को देखिए, प्रभु के नाम को धन्यवाद है। वयस प्रभु यीशु मसीह का 33 साल का सेवक है, 33 इयर्स का सेवक है। एक बार भी ये डाकू उनका मीटिंग में नहीं बैठा, एक बार भी ये डाकू उनका सरपंच को नहीं सुना, एक बार भी डाकू उनका कोई भी थी चीजों में नहीं देखा। मगर कैसा उसको पश्चाताप हो गया, कैसा उसको पश्चाताप हो गया। एक बार भी बाइबल नहीं पढ़ा, एक बार भी वयस कुछ भी नहीं धर्मशास्त्र को नहीं लिया हो, एक बार भी प्रभु यीशु मसीह का चरण लोगों का खास संपर्क में नहीं आया, मगर उनका पूरा जीवन डाकू और छोर में गुजारा हो। एक बार भी उसके जीवन में ऐसा नहीं बात हो गया पश्चाताप करने के जैसा। वयस प्रभु हमको बहुत समय दिया, प्रभु हमको बहुत समय दिया। सुनिए क्यों ये समय है, ओ कोई हेलो हेलो मेरा दोस्त सुनने वाला सुनो, इतना समय प्रभु हमको दिया किसके लिए? क्या मैसेज पढ़ने के लिए, क्या मैसेज सुनने के लिए, क्या मैसेज का ये करके बड़ा आदमी बनने के लिए? नहीं, पश्चाताप के लिए, रिपेंटेंस के लिए समय दिया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या रिपेंटेंस के लिए समय दिया? माय गॉड, चोर को समय नहीं मिला। अगर चोर पहले रिपेंटेंस करता तो इतना चोरी बाजी करके इतना सुप्रीम सजा नहीं जाता था, पहले इस मत को स्वीकार करता था, पहले चरमिला के बैठता था, मगर उसको मौका नहीं मिला। मगर हमको प्रभु ने मौका दिया। कोई भी ऐसा मत सोचो चोर भी आज के वक्त में सैल्वेशन को पाया, नहीं सैल्वेशन को वैसे पाएगा, बिल्कुल गलत है। इतना समय को टोकन नहीं देगा क्यों? इतना समय तक बेदारी को नहीं देगा क्यों? इतना समय तक परमेश्वर मेरे को आपको टोकन नहीं दिया क्यों?
चल आपके लिए समय दिया और ऐसे रिपेंटेंस रिपेंटेंस बहुत तो बढ़िया बात है माय गॉड रिपेंटेंस के लिए और कोई कुछ भी नहीं ये एक बात भी प्यारा बहुत दे हमको क्या हमको प्रभु ने दिया हुआ समय को हम कैसे व्यक्त करते मैं आज बताना चाहता है हम हमको दिया हुआ समय हमको प्रभु समय दिया मेरा भी गलत हो सकता है मैं प्रचार करके मैं भी इससे बाहर नहीं है ये मैसेज का मैं भी नीचे है मेरे को भी प्रभु पश्चाताप करा देगा मेरे जीवन में मैं क्या क्या किया वो भी मेरे को मालूम है वो ऐसा मैं इसलिए मैं खेलना चाहता हूँ ये सब बकवास है ये सब चर्च में आना और MP3 सुनना ये सब बकवास है क्या फायदा हो गया बताइए MP3 सुनने से क्या फायदा हो गया प्रचार करने से क्या फायदा हो गया मैसेज को पढ़ने से क्या फायदा हो गया बोले मेरे को बोलिए yes, Lord, क्या फायदा हो गया हम चोर से भी डरता हो गए मालूम है वो चोर तो ठीक है सजा काटा हुआ चोर हर फांसी के बंधन में लटका हुआ चोर ठीक है हम ठीक रहिए हमारे जीवन में हमको एक ही काम है किसी किसी का जीवन को देखना किसी किसी के बारे में बात करना मेरे प्यारे मेरे बहनों बहुत गंदा ही बात है वैसे वैसे क्या हो गया हमको मिला वो सर्वेशन हम कैसे खोया माय गॉड वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है इसलिए भाई रैपर्ट बोला बराबर है अंदर का आत्मा को परमेश्वर निकालने के लिए कभी कभी सेवक लोगों को भी ऐसा रखता है ताकि अंदर का आत्मा दिखने के लिए माय गॉड ये मत बोलो ये व्यभिचार में गिरा हुआ आदमी एक डाकू एक शराबी उनको सर्वेश्वर नहीं करके मत बोलो आहा मत बोलो परमेश्वर ऐसे लोगों को उतारना है तुम लोगों के जैसा पारसी इतना गंदगी का जीवन बिताते हुए मेरा घर और मेरे को क्या बोला हम सब पापी लोग क्या हो गया करके हमारे सामने ऐसा मुंह में बोलते हुए माय गॉड क्योंकि ये लोग ऐसी मिनिस्ट्री में क्या कैसा बैठा मेरे को बताते हैं सेक्सुअल स्पिरिट को लेके बैठा है सेक्सुअल स्पिरिट में बैठा कभी शादी नहीं हुआ कभी सेक्स नहीं हुआ और बाद में सेवक से लेके सबको अपना मुंह से जो भी आता है उसको बताता है वैसे और इसलिए ऐसे लोगों को हमारा इस उपस्थिति में और कल मजा देने तक भी नहीं हुआ कितना और था बात में क्या बोलते हैं फास्टर मेरे को टॉर्चर कर मैं किसी को भी टॉर्चर नहीं किया मैं वचन के अनुसार भाई ब्रैनम के अनुसार बोला ये अगर ऐसी और कल बदलता है उपस्थिति के लिए डिस्टर्ब होते करके बोला ऐसी जबान को प्रभु दे वैसे क्यों उसको मौके मिला तो दूसरे का निंदा करना उसको मौके मिला दूसरे के बारे में बात करना उसको मौके मिले बहुत लोग आज ऐसा है उनको दिए हुआ समय उनको दिए हुआ टाइम उनको दिए हुआ समय वो ऐसे दूसरे के बारे में बात करने के लिए दूसरे के बारे में आरोप लगाने के लिए दूसरे के बारे में कुछ बोले कि मेरा प्यारे मेरे बहनों अगर कोई निकल गया तो उतारने वाला कोई मनुष्य नहीं है कोई मास्टर नहीं है कोई मिनिस्टर उठाएगा नहीं मगर फिर परमेश्वर उठाएगा इस व्यक्ति के पास कोई भी पास्टर नहीं गया इस व्यक्ति के पास इस दाकू के पास पीटर नहीं गया फिलिप नहीं गया और कोई भी चला गया कुंभ परमेश्वर जाके कुंभ प्रभु उधर चुराने को गया क्या न्यूज सेवन है वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे मेरे भारत वैस है बहनों ये महान बात है वैसे आज हम देखते हमको दिया हुआ समय प्रभु ने हमको समय दिया प्रभु ने हमको समय दिया कार्य मैसेज सुनने के लिए नहीं है कार्य MP3 सुनने के लिए नहीं है कार्य प्रचार करने के लिए नहीं है कार्य मैसेज पढ़ने के लिए नहीं है प्रभु हमको इसलिए समय दिया पश्चाताप के लिए वैसे कोई वैसे दो तरीके के लोगों को मैं बताना चाहते दो तरीके के लोग एक जो है दूसरे के ऊपर आरोप लगाने वाला और एक जो है माय गॉड माय गॉड परमेश्वर स्तुति को छोड़ने का तक दो तरीके का सोल के बीच में लटकते हैं आज भी हम देख सकता है आज भी हम देख सकते हैं पिक्चर को मैं आपके सामने लेकर आता है आज भी प्रभु दो तरीके का प्राणों के बीच में लटक गया मालूम है दो तरीके का प्राणों के बीच में एक प्राण जो है उनको
आज यीशु मसीह दाढ़ी और पैलेस्टाइन ड्रेस लेके आएगा नहीं, मगर उनका वचन है हमारे बीच में, उनका आत्मा है हमारे बीच में, उनका सेवकता है हमारे बीच में। आपका प्रभाव कैसा है प्रभु देखता है। बस दो तरीका का सोल के बीच में लटक गया। माय गॉड ओएस प्रभु का नाम को धन्यवाद है। ये महान बात ने मेरा तल पर पहनो ओएस इनका जीवन का आशा पूरा निकल गया। उनका जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। उनको उनको मौत का सजा मिला, फांसी का सजा। सुनिए फांसी का सजा में काट रहे वो ओएस फांसी का सजा। मगर तेरे थर पर पहनो हमको हमारा जीवन में ये सब घटना नहीं हुआ। माय गॉड ये सब घटना नहीं हुआ हमारे जीवन में। हमको प्रभु ने अच्छा अच्छा जीवन दिया, अच्छा घर दिया, वैसे समझो अच्छा घर दिया। प्रभु प्रेम करता है मगर प्रभु खाली प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपको भी देखता है। प्रभु प्रेम कर प्रेम करते हुए आपको सब कुछ देता है, आपको ब्रायलम का मैसेज देता है, आपको बाइबल देता है, आपको लैमर का मैसेज देता है, आपको पवित्र आत्मा देता है। सब कुछ देके प्रभु आपके जीवन को देखता है। आप क्या करते हो इन चीजों से, क्या करते हो इन चीजों से, कैसे आपके जीवन को बिताते हो वो देखता है। अगर आज उसको छोड़ते हुए हम दूसरे के जीवन को देखना, दूसरे का व्यभिचार को देखना, मेरे बारे में कोई भी व्यभिचार करे, कोई भी पाखंडी करे, आपका और मेरा काम नहीं है उसके बारे में बात करना। समय होता है, राजा के भवन में एक समय होता है, मगर ये हमारा समय ही हमारे लिए
गीता गीता सुनने के बाद गीता प्रचार कोई भी हीरो नहीं बनता है, प्रचार करने से कोई हीरो नहीं बनता है, मगर ठोकर खाने से हीरो बनता है। ठोकर खाने से हम सब कुछ होता है, ठोकर के बिना हम कुछ भी नहीं है, हम नाले के लोग हैं, हम कुत्ते के औलाद हैं, ज्ञान खेलना नहीं, ठोकर हमको होना चाहिए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। अभी प्रभु मनुष्य पुत्र, प्रभु मनुष्य पुत्र किसके लिए देगा? वयस जो खोए वो आत्मा को रक्षण में लेके आने की वयस। और इधर दोनों प्राण के बीच में प्रभु यीशु मसीह लटका गया, आज भी वैसा है। दोनों प्राण के बीच में उसका खून हम देख सकता है, दोनों प्राण के बीच में उसका खून, इधर हम खून को देख सकता है, उसका शरीर से खून आता है, वैसे उसका शरीर से खून आया। माय गॉड, अभी ये अभी खून दो प्राण के बीच में हो रहा है, और एक प्राण खून को लेने का लायक है और एक प्राण खून को लेने का लायक नहीं। अपना जीवन को पहला टेस्ट करो, अपना जीवन को पहला परीक्षा करो। वैसे काली मच मच बोलने को शुरू मत करो, मच मच बोलने से कुछ होता नहीं है। ये मच मच बोलने वाला, दूसरे का जीवन को देखने वाला, दूसरे का दूसरे को खंड में रखा रहे। और एक बात मैं बोलना चाहते हैं, अगर कोई भी कैसे भी हो, कुछ भी हो, वो लोग बोले हमारे भी बात करते नहीं, हम क्या करते हैं देखो, पहला हमारा जीवन कैसा था, लोग छोड़ो छोड़ो सेवकाई के बारे में बात किया, कुछ भी किया, हम सुनने वाला क्या है, हम भी अच्छा नहीं, ठीक नहीं। वो सुनने वाला भी ठीक नहीं है, आरोप लगाने वाला भी ठीक नहीं है। वैसे प्रभु दोनों को भी मानता नहीं, परमेश्वर मानता है। वैसे वैसी रिपेंटेंस, रिपेंटेंस आज बोलना चाहते हैं, रिपेंटेंस के लिए कोई वो कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिपेंटेंस जनरल है, वैसे रिपेंटेंस कोई भी कर सकता है अगर उनका हृदय में आएगा। Can you say amen? कोई भी कर सकता है। वैसे परमेश्वर रिपेंटेंस को देखता है, ना आपका जीवन को नहीं। वैसे ना आप कितना बाइबल पढ़ा वो नहीं देखता है, ना आप कितना उपवास प्रार्थना किया। वैसे आपको मालूम है एक पेंटेकोस्टल लोग बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रेयर किया। पेंटेकोस्टल लोग 1906 में छेगा पेंटेकोस्टल रिवाइवल, वैसे बहुत प्रार्थना किया, बहुत प्रभु ने उसको आत्मा को भेजा, मगर वे कहना चाहते हैं वो पूरा पेंटेकोस्टल परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया। क्या यू सेमन रिजेक्ट कर दिया और भाई ब्रैनम को भेजा, वैसे भाई ब्रैनम को भेजा। क्या यू सेमन भाई ब्रैनम को भेजा और आज मैंने कहना चाहते हैं भाई ब्रैनम आ गया, मेरा प्यारा भाई बहनों उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रकटित हो गया, रिवील हो गया, वैसे प्रभु रिवील हो गया, प्रभु प्रकटित हो गया, दो प्राण के बीच में प्रभु प्रकटित हो गया। क्या यू सेमन प्रभु का नाम को धन्यवाद। दोनों दोनों प्राण के बीच में खून उधर बाहर है वैस, और ये खून को लेने के लिए लायक था, ये खून का लेने के लिए लायक नहीं था, उसके लिए खून का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने दूसरे को देख रहा था। अगर तुम सही में प्रभु का बेटा है, सही में तुम प्रभु का बेटा है, क्योंकि उनको ढोंग था ये क्यों इधर लटका गया, ये कितने कुछ किया लगता है। अगर प्रभु का बेटा होएगा तो ये सूर्य से उत्तर खाना पाता है, तभी हम मानेंगे। ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं, ऐसी दुनिया में हम जी रहे हैं। अगर ये सेवक है ठीक है, वैसे सेवक है सही है, हम देखेंगे क्या होता है करके। कभी भी आप दूसरे को देखे दूसरे के बारे में सोचो मत, अपना बारे में सोचो। परमेश्वर ने मेरे को आपको ये समय को दे दिया, वैसे काले मिश्र फटने के लिए नहीं, वैसे मनुष्य हमारे जीवन में ये डाकू अपना जीवन में लगातार डाकू करते रह गए, एक बार भी उसका हृदय में पश्चाताप नहीं आए। वैसे अपना जीवन को अपने जीवन को बहुत बर्बाद करके रखा हुआ एक मनुष्य, माय गॉड, इनको एक बार भी मौका नहीं मिला दूसरे के बारे में बात करने के लिए।
उनको यही नहीं मालूम था मैं करने वाला चीज ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं करने वाला चीज ठीक नहीं है। बस कभी आपका हृदय में ये बात होता है, सबका हृदय में अगर होता है ये हमारा जीवन ठीक नहीं है, हम रहता है ठीक नहीं है, क्या होता है इधर मन में, हमारे जीवन में क्या होता है मन में, हम थोड़ा ये कभी सुनेगा, हम थोड़ा प्रचार करेगा, हम थोड़ा ये मैसेज को सुनेगा, हमारे अंदर घमंड आता है, हम थोड़ा ऊंचा जाने को देता है, हमको कुछ बात मालूम, मेरे प्यारे भाई बहनों कितना भी बात आपको मालूम होने दो, कितना भी भेद आपको मालूम, ब्रदर पॉल क्या बोला, कितना भी भेद आपको मालूम पड़ने दो, कितना भी बड़ा रेवलेशन आपको मिले दो, जो फाड़ को निकालने के तक, मगर अगर प्रेम नहीं है तो आपके हृदय में कुछ भी नहीं है, बोलो बोलेगे तो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा पहाड़ को हिलाने से भी ये प्राण को जीतना बहुत बड़ा बात है, ये प्राण को जीतना चाहिए, ये प्राण मिलना चाहिए, क्या न्यू से मैन माई गॉड वॉइस प्रेस बिना ने बोलो अभी जबरदस्त बात इधर वो क्या बोलते हैं, अगर आप मसीह है पहला अपने आप को बचाओ बोलता है, मेरे प्यारे भाई बहन ये मूर्ख को मालूम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बचाने को नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह हमको बचाने को आया, हमको बचाने को आया, कभी भी ये बात हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रभु अपने आप को बचाने को नहीं आया, हमको बचाने को आया, वैस आपको बचाने के लिए आया, वैस इसलिए मेरे घर में उनको कुछ भी मालूम नहीं है, वो क्या बोलते हैं पहला अपने आप को बचा दो बाद में हमको बचाओ, yes, बाद में हमको बचाओ, पहले अपने आप को बचाओ, ये सब कहीं अपना को बचाने को नहीं है, दूसरे को बचाने का, दूसरे का पाप को निकाल लेकर, दूसरे का जो अविश्वास को निकाल लेकर, दूसरे का जो चीजों को निकाल लेकर, क्या दिखे में कितना जबरदस्त है उनको कुछ भी मालूम नहीं है कौन क्या है, क्योंकि अगर वो चर्च में आता तो बराबर सुनिए, अगर वो चर्च का दुनिया में आता तो वैस उनका जीवन वैसे होता था, हाँ वो क्या है ये क्या है, मगर उनको मौका नहीं मिला चर्च के अंदर आने के लिए, वैस मगर परमेश्वर ने आज हमको मेरे को और आपको बहुत बड़ा समय दे दिया, बहुत बड़ा समय दे दिया अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को देखने के लिए, वैस अगर मेरे घर में बहनों ये बात को हमको दिए हुए समय को हम अगर पश्चाताप में नहीं आ गए, हमारे हृदय में अभी तक पश्चाताप नहीं, अभी तक हम आंसू बहाए नहीं, अभी तक ऐसा टोटल रिपेंटेंस हमारे जीवन में नहीं हुआ, क्या दूसरे में वैसे मैं बोलना चाहता है जैसा पौलुस बोला, जितना भी आपका जितना भी बड़ा फेथ बोलेगे तो रेवलेशन पहाड़ को उठा के देखे जाने का, मगर चैरिटी नहीं, प्रेम नहीं, कुछ भी फायदा नहीं, इसका मतलब हमको परमेश्वर का प्रेम हमको दिखना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम लोगों का प्रेम नहीं है, मिनिस्टर का प्रेम नहीं है, पत्नी का प्रेम नहीं है, पति का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, कोई भी हमको छुड़ाएगा नहीं फ्रेंड, और नहीं कहना चाहते सारा दुनिया आरोप लगाने वाला दुनिया है, बचाने वाला दुनिया नहीं है, आपको कोई भी आप इस समय पर इस मैसेज को सुनने के समय में प्रार्थना में रहो, प्रेयर में रहो, कोई भी हमको बचाने वाला नहीं, सब आरोप लगाने वाला है, यह दुनिया पूरा आरोप है, इवन मेरे चर्च के अंदर मैं देखा इस बातों को, मेरे चर्च के अंदर वैसे जिसको मैंने वैसे सबसे ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस रखा और सोचा था वैसा सिस्टर है, बहुत हम्बल है, बहुत बोली है,
नहीं, ना किसी का पीछे नहीं, ना परमेश्वर के पीछे नहीं, किसके पीछे? लड़का के पीछे बाजी, लड़का के पीछे बाजी, और लड़का मिला और लड़का के गले में बांध लिया अपना गले को, और मिनिस्ट्री के बारे में क्या क्या बोलने को लगे। आज किधर है मालूम है? आज किधर है करके किसको भी मालूम नहीं, किसको भी मालूम नहीं आज किधर है। वैसा मगर मैं आज कहना चाहता हूं, ये मनुष्य, ये चोर, ये डाकू वैस अपना जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया। परमेश्वर आप कितना नाचते करके देखेंगे नहीं, ये नाचने का बिजनेस नहीं है। बहुत नाचने वाले को देखा नहीं चर्च में, बहुत लोग नाच रहे हैं, वो ऐसे नाचा इधर, और क्या ऑर्गन बजाना, क्या क्या ट्रम्पेट भी बजाने को शुरू हो गया, क्या क्या हो गया, किधर है आज सब? मेरे को मालूम है ये सब टेम्पररी तात्कालिक हो, मगर शाश्वत जो है वो ऐसे परमानेंट जो है प्रभु का प्यार है, प्रभु का प्रेम है। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, आमेन आमेन। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, लेसर भी धन्यवाद खुदा, वयस प्रभु के नाम को धन्यवाद। मैंने कहना चाहता है मेरे घर भर बहनों, ये छोर इनको ये सब कुछ चीज इनके जीवन में नहीं आया, इसलिए वो मैं एक बात बोला, ये पाखंडी नहीं था, ये पाखंडी नहीं था, इसका सारा जीवन में एक बार भी वो पाखंडी नहीं था। माय गॉड, पाखंडी लोग होने वालों में चर्च में अटेंड होने वाला, बराबर सुनो, चर्च में आके बैठने वाला, मैसेज सुनने वाला, हाँ मैसेज सुनने वाला, चर्च में आके बैठने वाला, ऑर्गन बजाने वाला, पुलपिट पे खड़े रह के प्रचार करने वाला, ये सब पाखंडी लोग हैं। हाँ, क्या आपको बुरा लगता है? हाँ, और पाखंडी लोग ये लोग सब, ये लोग तो क्या है मालूम है, सचमुच में डाकू से भी बड़ा डाकू है ये लोग, वो डाकू तो ठीक है, ये लोग व्यभिचारी से भी बड़ा व्यभिचारी लोग है, वो ऐसे सच्चा व्यभिचारी, सच्चा पाप में गिरा हुआ आदमी, वो पाखंडी नहीं है, वो ऐसे प्रभु उसका जीवन को सबको दिखाता है, प्रभु बोलता है तू सही नहीं है, देखो ये व्यभिचारी है, तू सही नहीं है, देखो देखो एक डाकू है, एक डाकू है, ये मेरी सारी जिंदगी करता है, मगर नाले लोग इधर सुनो, तुम लोगों का हालत क्या है? हाँ, चर्च में आता था, हाँ पाखंडी लोग वही है, चर्च में आने वाला और खुद ही मारने वाला, हाई जंप और लॉन्ग जंप खुद ही मारने वाला, और बहुत बहुत बड़ा धार्मिक के जैसा मैसेज सुनते हुए अपने आप को, ओए ओए हम किसी के पास नहीं है, हम बहुत शुद्ध लोग है। माय गॉड, ये सब नॉनसेंस चीजें मेरे घर में फेलो, हम किसी का कांटेक्ट में नहीं है, हम किसी के बारे में नहीं है, हम अपना अलग है, वैसे कुछ भी फायदा नहीं है, वैसे और वो आपको ठोकन के लिए तैयार नहीं करता है। मगर ये चोर पाखंडी नहीं था, मैं आपको बोलो आज ये चोर सच्चा विश्वासी था, ये डाकू सच्चा विश्वासी था, ये डाकू अब्राहम का बीज था। क्या सेवन, क्या चर्च में आने वाला आप तो सोचते हैं, क्या रेगुलर चर्च में आने वाला आप प्रभु के बीज करके सोचते हो? वही कोई भी नहीं रहेगा उधर, वैसे रेगुलर चर्च में आने वाला, रेगुलर ऑनलाइन सुनने वाला, रेगुलर यूट्यूब देखने वाला, क्या आप सोचते हो प्रभु के बीज करके? ये गलत आपका सोच है, ये सोच आपका गलत है, प्रभु का सच्चा बीज आप देख नहीं सकते, आप नहीं मिलेगा, वो आपको नहीं मिलेगा, प्रभु का बीज बीज बिकने के लिए आप नहीं बोल सकते, आप जो प्रभु बोलता है मेरा बीज है, आप उसको सातान बोलता है, आप उसको डेविल बोलता है, मगर प्रभु डेविल बोलता है, आप उसको प्रभु का लोग है।
में आपको धन्यवाद दे। वयस अपना वयस एक बार भी सत्य का दरवाजा भी नहीं देख जाए, एक बार भी मैसेज का किताब भी नहीं मिला इसको, वयस एक बार भी उसको कुछ भी नहीं मिला वयस, मगर मगर इसका प्राण के अंदर सोच के अंदर कुछ ना कुछ होता था वयस, कुछ ना कुछ होता था। क्या होता था बताओ, ये इतना बड़ा डाकू होने से भी, इतना बड़ा व्यभिचारी होने से भी उनके अंदर सैलवेशन के लिए तड़प था, उनका प्राण सैलवेशन के लिए तड़प था वयस, मगर उनको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह का कोई भी मीटिंग ना, उसका कोई भी वह संदेश को सुनने का इसको मौका नहीं मिला, क्योंकि इतना भयंकर 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 एक डाकू था। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला वचन में, तुम लोगों से पहला तुम लोग बोलेगे तो कौन है, फारसी फारसी बोलेगे तो कौन है, एक्टर नौटंकी लोग एक्टिंग करने वाला, तुम लोगों से पहला व्यभिचारी और पापी स्वर्ग राज को देखेगा। तुम लोगों से पहला व्यभिचारी और पापी स्वर्ग राज को देखेगा। और भाई ब्रह्म क्या बोला मालूम है, अगर रस्ते के बाजू में एक बूट लेकर है, एक दारू पीने वाले है, उसको निंदा मत करो बोला, अगर एक व्यभिचारी उसको निंदा मत करो, हो सकता है वो प्रभु का बीज हो सकता है बोला भाई ब्रह्म। माय गॉड सेवन वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। माय गॉड अगर प्रभु राजा का महल को माल से लेके लेके वयस राजा का माल से लेके फांसी का बंदा तक जाके अपना प्राण अपना बच्चे को छुड़ा सकता है। अगर सुनो सैलवेशन के बारे में बोलता है, सैलवेशन क्या है, चर्च में जाने से आपको सैलवेशन मिलता है, रास्कल रास्कल लोग चर्च में आने से आपको सैलवेशन मिलता है करके विश्वास करते हो, और मैसेज सुनने से आपको सैलवेशन मिलता है। मेरा जीवन में मैं एक बार देखा ये सब प्रभु नहीं देखता है, और खान पे रखे खान पे और खान पे रखे मैसेज को सुनते रहने से आपको सैलवेशन मिलता है। हाँ बताइए मेरे को, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। वैसे प्रभु का सैलवेशन को आपको वैसे आप जान नहीं सकता है कैसा वो सैलवेशन देंगे करके। वैसे आप बाइबल में देखिए किस किस को सैलवेशन मिला, कौन सा व्यक्ति को सैलवेशन मिला, अभी आपका हृदय में थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको। माय गॉड वयस ये मत सोचो मैं सही हूं वो गलत है, वयस मेरा जीवन उनसे बर्बाद हो गया, कोई किसी का जीवन किससे भी बर्बाद नहीं होता है, सिर्फ अपना हाथों से होता है वो, वयस अपने हाथों से डाकू अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, किसी के ऊपर भी उंगली नहीं दिखाया हो, किसी के ऊपर भी उंगली नहीं दिखाया, किसी को भी बोले नहीं, अरे अरे ऐसी लोगों से मेरा जीवन बर्बाद हो गया करके नालायक लोग। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। हम कितना जबरदस्त उपस्थिति में हम खड़े, कितने लोग आ गए, कितना भाग गया लोग, क्योंकि मेरे घर में बहनों परमेश्वर क्या बोला वयस तुम लोगों से पहले तुम लोग कौन है, पारसी और सदसी कौन है वो लोग, वयस चर्च लवर्स बोलेगा तो चर्च को प्रेम करे प्रभु को नहीं। मेरे घर में दो तरीके बहुत तरीके के लोग चर्च लवर्स बोलेगा तो चर्च को प्रेम करने वाला चर्च लवर्स वैसे प्रभु का प्रेम नहीं है, चर्च का प्रेम है। चर्च में जाने से हमारा पूरा काम हो गया, चर्च में बैठने से हम शुद्ध हो गया, चर्च में बैठने से बहुत रेगुलर चर्च में जाता है, मगर ये व्यक्ति एक बार भी चर्च में नहीं गया। वैसे ये एक दूसरे को आरोप लगाने के लिए आपको मालूम है चर्च ऐसी जगह है, बराबर सुनिए चर्च कलीसिया ऐसी जगह है एक दूसरे को आरोप लगाने वाले
बताने की, उनको वार्षिक का सजा की। थोड़ा थोड़ा गरीब बचा है, आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त, आखिरी वक्त उसका समय आ गया, डाकू का समय आ गया, आखिरी वक्त है, आखिरी टाइमिंग, लास्ट आवर है उसका। माय गॉड, नेक्स्ट घड़ी में उसको सूली पर रखा नहीं था, उधर तैयारी हो रहा है। तीन तीन लोगों को, दो डाकू, एक हमारा प्रभु यीशु मसीह, और खास करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में उधर बहुत लोग जमा हो गया, बहुत यहूदी लोग उनको झुंड आ गया। बताओ तुम राजा करके, बताओ तुम इस्राएल का राजा है तो बताओ तुम, और बहुत उसको मजाक उड़ा रहा। मगर इनका हृदय में यही जो राजा है, प्रभु यही जो राजा है, मैं विश्वास करता हूं। आखिरी घर पर जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, जीवन में एक भी अच्छा का पूरा बुराई का जीवन, 99% उसका जीवन में बुराई। और बार बार जेल में रहने वाला आदमी, मगर उन्होंने सुना है यीशु मसीह के बारे में, मगर उस समय उनका नहीं था। सुना, क्योंकि वो चोर बाकी जगह के, उसी जगह गए हो, वही जगह कर वो सुना, मगर एक बार भी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। कभी भी फांसी पर लटकाने का पहले वो जैलर लोग पूछते, तेरा आखिरी इच्छा क्या है, तेरा आखिरी इच्छा क्या है, पूछते हैं। वो सब जगह में है, सब वर्ल्ड वाइड पहले से वो चीजें, रात्रि का जो आशा क्या है पुस्तक, शायद हो सकता है ये चोर के भी पूछा होगा, तेरा आखिरी आशा क्या है, तेरा मां बाप को देखना। और किसी को देखना क्या है तेरा आखिरी आशा, ये बोला होगा, मेरा आखिरी आशा तो है प्रभु का राज। Amen, amen. Yes, Lord, amen. मेरा आखिरी आशा तो है प्रभु का राज है। Amen. वो लोग बोला भी होगा, हम नहीं दिखा सकते, कोई बात नहीं करके दिल में सोचा, amen. मेरा आखिरी आशा तो है ठोक के। Yes, Lord, amen, amen. मैं बहुत कुछ किया मेरा दुनिया। Glory, 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 amen. Thank you, Lord. Amen. मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे जीवन में मैं पूरा पापी था, इसलिए सजा मेरे को मिला। क्या बोल सकते हैं इससे बात, अगर मैं उस जगह पर होता तो, अगर मैं वो डाकू का जगह पर इस सवेरे का समय में होता तो, मैं बोलता है इससे बढ़िया जगह और कुछ भी नहीं, amen, amen. इससे बढ़िया जगह कुछ भी नहीं है। महान समय, महान जगह पर एक डाकू खड़ा है, महान समय, महान डाकू के जगह पर, तो बोला मेरा एक ही आशा है, बचा है मेरे को,
और पहला पानी सब कुछ देता है, पानी पिलाया मैं नहीं बोला, वो बोला मेरे को पानी नहीं चाहिए, इससे भी बढ़कर मेरे को चाहिए, ये पानी तुम लोग पिलाता है मेरे को सूली पर लटकने के फेरे, ये मेरे को जीवन नहीं दे सकता है। और तीनों को भी लटकाया, बीच में प्रभु को लटकाया और दोनों दहने और बाएं जगह पर दो डाकू को लटकाया, और एक डाकू उनको सैलिवेशन का वैल्यू मालूम नहीं, उनको टोकन का वैल्यू मालूम नहीं, आज दुनिया में वही देखता है, वही स्थिति को देखता है, वैल्यू मालूम नहीं उसको, उसका प्राण का चिंता नहीं है, उसका सोल का चिंता नहीं है, अपना सारा जीवन में डाकू गिरी किया, वो प्राण जो है नरक से आया हुआ प्राण, क्या से में नरक से और नरक को वापस जाने को दे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। अगर तू प्रभु का बेटा है, क्योंकि जूडास उसका फेले मरा और जूडास उसका फेले मरा, अभी ये छोड़ दे, अगर तू मसीह है, अगर तेरे को सब लोग मसीह बोलता है, पहला तो अपने आप को बचाओ, इनको रेवलेशन नहीं मिला, ये मेरे जैसा लोगों को बचाने को आया नहीं मिला उसको, अविश्वासी अविश्वास में भरा हुआ प्राणी, और प्रभु को मजाक उड़ा रहा था, रेवलेशन के विरुद्ध मजाक करता था, ये मिनिस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाता है, रेवलेशन के बारे में मजाक उड़ाता है, टोकन है क्या टोकन है, सब कुछ हो गया, वैसे अगर टोकन है वैसे ये लोग अपने आप को बचाने को देख ले, तो भी ऐसा स्थिति का प्राण है वो, अगर ये व्यक्ति को किधर से प्रभु का डर हो गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बाइबल पढ़ा नहीं, कोई भी धर्म शास्त्र को पढ़ा नहीं, कोई भी चर्च में गए नहीं, कोई भी देख नहीं, मगर किधर से इसको मेरा प्रभु का डर हो गया, कैसा प्रभु का डर हो गया, और वो क्या बोलते हैं, क्या तू प्रभु को डरता नहीं हो, माय गॉड, क्या तू प्रभु को डरता नहीं हो, एक्चुअली इधर पीटर आके बोलना मांगता था, पीटर जितना बड़ा रेवलेशन पाया हुआ पीटर ये शब्द को उधर बोलना मांगता था, क्योंकि प्रभु का मुंह बंद है, इधर अभी प्रभु बात नहीं करता है, वैसे अभी प्रभु बात नहीं करता, प्रभु काले उनका खून सब निकला, बहुत कमजोरी हो गया उसका शरीर, बहुत जबरदस्त बहुत भयानक दृश्य है, उधर कुछ भी मुंह से बात नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है, क्या निश्चय में, मगर ये डाकू आखिरी वक्त में जो परमेश्वर का बारे में मजाक उड़ाने वाला दूसरा चोर को बोलता है, डाकू को बोलता है, क्या तेरे को प्रभु का डर नहीं है, किधर है पीटर, किधर गया, कोई भी नहीं, पीटर भागा, इतना बड़ा रेवलेशन को पाए और पीटर की भागा, मैं एक बात बोलना चाहता है, आप रेवलेशन पाया करके कमेंट मत दिखाओ, आपको रेवलेशन मिला करके कमेंट मत दिखाओ, नालायक को नालायक लोग है, मेरे को रेवलेशन मिला, मेरे को वो मिला, एक कमेंट की बात है, कमेंट मत दिखाना,
पीटर को देखो, वो भी जगह खाली किया, इतना बड़ा रेवलेशन पाने के बाद भी बाद में कौन आना पड़ा मालूम है? प्रभु आना पड़ा उसको वापस बुलाने के लिए। मगर इधर वो प्रभु ये डाकू का पास, डाकू को बुलाने के लिए प्रभु उधर थे। माय गॉड, डाकू को बुलाने के लिए, माय गॉड, डाकू को बुलाने के लिए वो यीशु पहले डाकू को बुलाए। वो यीशु में आज कहना चाहता है और किसी को बुलाने के पहले प्रभु डाकू को बुलाए, डाकू को बुलाए और वो उपस्थिति डाकू पहचान लिया। वे प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। महान उपस्थिति को डाकू पहचान लिया, डाकू को और कोई भी रास्ता नहीं है, प्रभु अपना प्रेजेंस के द्वारा वो डाकू का हृदय में काम किया। क्या न्यू से मैं प्रेजेंस का द्वारा वो प्रेजेंस, वो उपस्थिति डाकू को हिट हो गया। परमेश्वर का डर उसके हृदय में आते, डाकू को भी दिखता है फांसी का सजा नहीं है, परमेश्वर का राज के बारे में सोचता है। प्रभु यीशु मसीह 3 साल तक प्रभु के राज के बारे में बात किया, मालूम है सब लोग सुना, जूदास भी सुना, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। मगर वैस और पीटर को भी मालूम हो गया, वैस तेरे को भी इधर हाथ में चाबी देता है, जो तू खोलेगा वो खोला जाएगा, जो तू बांधेगा वो बांधा जाएगा। किधर है वो लोग सब? चर्च में मस्त लोग किधर है? चर्च के लोग किधर है? किधर भाग गए? लाजरस किधर है? कौन है? किधर है वो लोग सब? माय गॉड, अगर परमेश्वर को उपस्थिति एक डाकू का मुंह को खोल दिया, डाकू को ताकत आ गया, डाकू डाकू को प्रभु का डर आ गया, डाकू का जीवन बदल गया, उधर ही डाकू नए जन्म को पाया, फांसी का एक जन्म गया, एक डाकू का जन्म गया, नए जन्म को पाया। पर अगर परमेश्वर सूली पे लटकने वाला डाकू को नए जन्म आखिरी वक्त में दे सकता है, वो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, क्या बोलते हो आप लोग? का मुंह थोड़ा बंद करो, नहीं तो कल प्रभु आपको मारेगा। कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलो, मैंने बहुत लोगों के नाटक को देखा, एक अभी अभी नाटक हो गया, ये नालायक औरत लड़की, लड़की नहीं औरत है, उसकी उम्र बहुत हो गई उसका, हाँ अपना 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 वर्जिनिटी को खोया, नालायक औरत किस किस के बारे में बोलने वाला? मगर ये डाकू क्या बोला मालूम है? हम जो है पापी लोग, क्या तुम प्रभु को डरते नहीं है? प्रेज की दले मत थमाओ, प्रेज की दले मत थमाओ। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, माय गॉड। और आपको मालूम है एक बरबस करके था, लोग बरबस को पूछा, बरबस हमको चाहिए, यीशु नहीं चाहिए बरबस, क्योंकि ऐसी दुनिया में हम रहता है। आज भी लोग बरबस को पकड़ के बैठा, बरबस कौन है मालूम है? वो भी एक बहुत बड़ा डाकू है, वो यीशु मसीह का, ये यीशु मसीह वो सूली पर लटकने के लिए इंतजार करता, तभी मेरे को आजादी मिलेगा, ऐसी आदमी वैसा लोग आज चर्च वर्ल्ड में, चर्च का दुनिया में वैसा लोग रहते हैं। मगर बहनों, क्या तू प्रभु को डरता नहीं है परमेश्वर को? क्योंकि तू भी वही निंदा का नीचे है। और क्या बोलते वी इंडीड फॉर वी रिसीव द ड्यू रिवॉर्ड, जो हमको मिला सजा है सही है वो,
हमको मिलने वाला सजा सही सजा है, क्योंकि हम वही सजा बिल्कुल सही है। मेरा प्यार भाई बहनों, आज हमको जो भी सजा मिली सही है, एक्चुअली हमको प्रभु बचाए। इनको मालूम हो गया ये सजा मिली, ये जो मिला हुआ सजा फांसी का सजा सही में मिला। ये कन्विक्टेड कन्विक्शन, ये रियल कन्विक्टेड है। अपना कन्विक्शन को मान लिया, कभी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना कन्विक्शन को मानना, अपना कन्विक्शन को छुपाओ मत, मानो। मगर ये व्यक्ति कुछ भी नहीं किया, इनको एक बात मालूम पड़ गया, ये जो है प्रभु परमेश्वर। आमेन, आमेन, आमेन। इतना साथ से, इतना समय से, इतना टाइम से चर्च में जाने वाले लोगों को प्रभु नहीं पहचानता वयस। इतना समय से बाइबल पढ़ के, एमपी3 सुन के, टेप सुन के और यूट्यूब देखने वाले को प्रभु नहीं पहचानते, कैसे भी जीता है वो जी रहा है। मगर ये व्यक्ति को प्रभु पहचान लिया आखिरी वक्त में फांसी का सजा पर। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। परमेश्वर आदमी में अपना आदमी का जो छुटकारा था, कोई राजा के पास, राजा के मार में कोई अच्छा डाकू के पास गए। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, धन्यवाद। जैसा वो वेश्या औरत वो फारसी के घर में जाके प्रभु का पैर का पास बैठते हुए प्यार किया और रोया, रिपेंटेंस का आंसू बहाया, रोई, परमेश्वर को उपस्थिति को पहचान। क्या हो गया, सालों से उसका जीवन वेश्यागिरी में निकल गया। वो स्त्री भी उधर थी, मैं बोलता है वो स्त्री भी उधर थी, वो उनको पीछा किया, मालूम है वो यीशु मसीह का पीछा करने छोड़ा नहीं, क्योंकि प्रभु ने बोला तेरा पाप बहुत है मगर क्षमा किया जाए, तेरा पाप बहुत है मगर क्षमा किया जाए। मगर ये डाकू अपना आखिरी वक्त में उनको मिला हुआ समय को वैसे वो बाकी चोर को बोलने को लगा, हम जो है पापी है, हम सही में सजा काट रहे, हमको सही में सजा मिला, मगर ये व्यक्ति इनोसेंट है, ये
And he said unto Jesus, O Prabhu Kyoko, Ola, Tabi tum tera raj ka saath aayega. Bole ga to thokan ka saath aayega. Tabi tum thokan ka saath aayega. Mere ko yaad kar. Praise in the name of God. Amen. Tabi tum thokan ka saath. Prabhu ka raj bole ga to baptism of the Holy Ghost. Thokan. Amen. Tabi tum tera raj ka andar saath aayega. Ek thokan ka message sunai nahi. क्योंकि धर्म बहनों आप सुनने से आप पढ़ने से एक सर सब अच्छा है वो बुरा नहीं है मगर उससे आपका हृदय में ये रेवलेशन नहीं जाते आपका हृदय नम्र होना चाहिए इस दातु का जैसा एक दातु का हृदय इतना नम्र हो गया टोकन के लिए प्रेम करने के तक हो गया टोकन के ऊपर प्रेम गिरे आखिर में दातु को टोकन के ऊपर प्रेम गिरा कभी भी इन बातों को पीटर बोला नहीं पीटर बोल सकते थे प्रभु कैसे भी आपको जाता है तभी आप राज के अंदर आएगा हमको याद करो बोले नहीं भागा हो वो भागा बाकी लोग भागा मगर एक डाकू भागा नहीं भाग नहीं सकते डाकू को फांसी के बंधन से बांध लिया हाँ सच्चा सोच परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है सच्चा प्राण है सच्चा सोल है अपराध का बीज है वैस फांसी में लटका रहा फांसी में हैंग हो रहा है प्रभु मुंह नहीं खोला मगर यही बात कर रहे अभी हाँ यही बोलता है यही थोड़ा शॉर्ट प्रचार किया क्या प्रचार है इसका शॉर्ट मैसेज वैसे उनका छोड़ के लिए हम तो पापी क्या तेरे को प्रभु का डर है और प्रभु से मांगता प्रभु अगर आप आपका राज का साथ आते हो मेरे को याद कर मेरे को याद कर मेरे को छोड़ो मत प्रभु क्या बोला सच सच कहता हूं आज इसी वक्त तू मेरा साथ हर आमेन आज इसी वक्त तू मेरा साथ हर वैसे आखिर का वक्त में जो प्रार्थना करने के बाद प्रभु उसको जवाब दिया प्रभु तेरा पाप भाव के क्षमा कर दो करके नहीं बोला क्योंकि प्रभु को मालूम पड़ा ये जबरदस्त बीज है ये जबरदस्त सीड है ये जबरदस्त विश्वासी ये पाखंडी नहीं है ये पाखंडी नहीं है ये सच्चा बीज है अपना पूरा जीवन में ये पाखंडी नहीं है ये असली है क्या सोचते हो वे विचार में गिरेगा तो अविश्वास होता है वो हाँ और डाकू करेगा तो अविश्वास होता है वो सही है वो उनका जीवन में पैसा हो गया दिखाई दिया मगर नालायक लोग बहुत है पैसा नहीं कर दिया सामने से नहीं दिखता है पूरा पीछे से वो लोग के जीवन को देखो वैसे अपराध पश्चाताप भी नहीं जाता है दूसरे के बारे में दूसरे का नजर उठाता है दूसरे को उंगली दिखाता है दूसरे के बारे में बताता है मगर ये चोर सूली पर भटका दिया ये बोला कभी आप प्रभु के राज के साथ ठोकर के साथ आते मेरे को याद कर प्रभु क्या बोला कल आते वो ऐसे बोला अभी इसी वक्त तू मेरे साथ ये चोर भारत में गया ये चोर भारत में ये चोर भारत में गया ये चोर भारत में फ्रेंड फाइनली मैं बोलना चाहता आपका प्राण कौन सा करके आप परीक्षा करो मैं ज्यादा नहीं बोलता आपका प्राण आपका जीवन क्या है करके आप परीक्षा करो अगर आप चाहते हो प्रभु के पास जाने के टोकन पाने का है आपका प्रार्थना यही ले लो प्रभु हम पापी है हम जो चीज किया इस दुनिया में सही नहीं मगर कब आप आते हो
हमको याद कर। जो डॉक्टर के साथ बात किए वो आवाज वॉइस मेरे को और आपको भी बात कर सकता है। ये मत सोचो, कभी भी ये मत सोचो वो डाकू है, वे भी चाहिए, उनको लक्षण नहीं मिल सकते। बिल्कुल मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते। निंदा करने का, हड्डे करने का चीज दुनिया का है, मगर रक्षण करने का चीज परमेश्वर। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ये प्राण को ग्लोरी, 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 आमीन। सारे देश में लेते और मैं पूरा विश्वास करता है वो डाकू अभी भी परमेश्वर का पास उधर है। रब ने उसको पैरादेश में लेकर गया, क्योंकि परमेश्वर पैरादेश को उस समय में वहां वहां से अलग बना दिया और नरक में दूसरा चोर दिया। रब के नाम को धन्यवाद है। अपना जीवन को पाप करने के देश मत बना। सच्चा सच्चा है, पापी पापी है, विश्वासी विश्वास से मगर अगर पाप में गिरेगा प्रभु आपको छुड़ा सकता है। जैसा डाकू को छुड़ाया मेरे को और आपको भी वही छुड़ाया। आइए आपको प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस शानदार मैसेज के लिए आपको धन्यवाद। आपने ये मैसेज के द्वारा हमारा हृदय को आप खुला सकते। धन्यवाद है प्रभु आपका ये महान चीजों के लिए। प्रभु आपका लव हमको कोई नहीं, जैसा आपने डाकू को रक्षण दे दिया आखिरी वक्त में, डाकू को आपने रक्षण दे दिया आपने पैराडाइज में लेकर। परमेश्वर आज मेरे को आपको भी वही आवाज रक्षण को देगा। धन्यवाद है प्रभु। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुमन कबूल कर। अभी बात